दादर बाबू क्या है लल्लू लाल? हुजूर आपकी पूजने लायक महतारी आई हैं। क्या माँ आई है? हाँ हुजूर, और जब हम उनका आदर सत्कार से बिठलावा है तो पता है का फरमात है? क्या कहते हैं? कहत है लल्लू लाल जाके हमार दादर लल्ला से कह दो कि आज हम एक जरूरी बात का खुलासा करने आए हैं। मतलब ये कि मैं तेरी माँ हूँ और इस संसार में एक तेरे सिवा मेरा कोई भी नहीं, ये तू जानता है ना? जानता हूँ माँ, और तेरे सिवा मेरा कौन है इस संसार में? इसीलिए महीने बीत जाते हैं तेरा मुंह देखे बगैर। अस्पताल का काम ही ऐसा है माँ, इसमें खो जाता हूँ तो एक एक महीना एक पल के बराबर हो जाता है। और तुम जितनी देर मेरी आंखों से ओझल रहते हो मेरे लिए एक पल एक एक महीने के बराबर हो जाता है। मैं भी कितना बदनसीब हूं मां कि तुम जैसी देवी के दर्शनों के लिए हर रोज घर नहीं जा सकता। अगर तुम सचमुच मुझे देवी समझते हो तो मेरी एक मिनट मानोगे? तुम्हारे लिए एक बड़ा अच्छा रिश्ता आया है बेटा। मां एक बार लड़की देख लो बेटा, जी पर आई हुई ना, पीछे ना पलट गई तो मुझे हजार कोस ले देना। जिस लड़की को तू अभी तक भूला नहीं वो मन वचन की सच्ची होती तो जीने मरने का सौदा तुम्हारे साथ करके शादी किसी और के साथ कभी न करती। ऐसा मत बोल माँ, ऐसा मत बोल, तूने तो उसे देखा भी नहीं, कौन जाने उस बेचारी ने किस मजबूरी की लपेट में आकर शादी की होगी। एक मजबूरी मेरी भी सुनेगा बेटा? ठीक है मत सुन, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तो किसी नेकी की छांव में बैठे हुए शायद तेरे पिता मुझे मिलेंगे और पूछेंगे क्यों भागवती तू तो अपनी बहू के हाथ की पकी हुई रोटियां खा के आई है ना, तो बता मैं क्या जवाब दूंगी। माँ मेरी अच्छी माँ, तू इस बात का कोई जवाब नहीं देगी, उस छांव में बैठेगी भी नहीं, फिर से इस धरती पे तू वापस आ जाएगी किसी मुझ जैसे अभागे को जन्म देने के लिए, उसे पालने पोसने के लिए, और जब वो बड़ा हो जाए तो उसे ऊंची मंजिलों का रास्ता दिखाने के लिए। तू बार बार आएगी माँ, बार बार आएगी। बड़े लेक्चर देने लगा है, मेरी बात का जवाब फिर भी नहीं दिया। एक बात पूछूं माँ? पूछो बेटा। एक अच्छा आदमी जिंदगी में कितनी बार शादी करता है? एक बार और कितनी बार? तो फिर मुझे दूसरी शादी के लिए क्यों कहती हो तुम? वो तुमने शादी थोड़ी की थी, वो तो मैं उसकी बात नहीं करता माँ, मैं तो अपने इस अस्पताल की बात करता हूँ। आज यही मेरी दुल्हन है, यही मेरा जीवन साथी है। हाँ माँ यही मेरा सच है और यही मेरा फर्ज है। मैं बार बार तेरे दरवाजे से आंखों में आंसू लिए लौटूंगी, ये मुझे मालूम नहीं था। ऐसा ना कहो माँ, ऐसा ना कहो। माँ देर या सवेर एक दिन आएगा जब तुम अभिमान से सर ऊंचा करके कहोगी धर्मेश मेरा बेटा है। मां सेवा और साधना के लंबे रास्ते पर अभी तो मेरा सफर शुरू हुआ है, लेकिन जीवन के लंबे रास्ते पर मेरा सफर तो खत्म होने वाला है। मां मां मैं तुझे कैसे समझाऊं माँ,
छह उजड़ जाते हैं तो फिर से बस जाते हैं, मगर दिल मिलने कोई पेशेंट आया है। भेजो। जी हम बैठे हैं डॉक्टर जी, तशी रखिए। मेरा नाम राम है और ये मेरी पत्नी सीता। जानता हूं। जानता हूं? वो कैसे? जी, राम की पत्नी सीता ही हो सकती है। ये अच्छा रहा। डॉक्टर, हमारी शादी को सिर्फ 3 बरस हुए हैं और ये देखिए। ऊपर वाले को नाइंसाफी भी सूझी तो कैसी सूझी, मुझे कैंसर है। कैंसर? आपने इसके अलावा भी कोई टेस्ट करवाया? जी, हर डॉक्टर यही कहता है कि मेरा मर्ज लाइलाज है। डॉक्टर जी, हम यहाँ इस भरोसे पर आए हैं कि आपके इलाज से ये ठीक हो जाएंगे। मैं भी आता। गुड मॉर्निंग डॉक्टर मोहन, मैं डॉक्टर धर्मेश बोल रहा हूँ। कैंसर के एक एडवांस केस के बारे में आपसे मशवरा करना चाहता हूँ। जी हाँ, फौरन आज। थैंक यू डॉक्टर, मैं आपका इंतजार करूँगा।
गुड मॉर्निंग डॉक्टर जॉन, डॉक्टर धर्मेश हियर। आई वुड लाइक टू कंसल्ट यू रिगार्डिंग एन एडवांस कैंसर केस। कुड यू प्लीज ड्रॉप इन फॉर अ मोमेंट? यस, जस्ट नाउ। थैंक यू डॉक्टर। सेवा कहती है झूमती गाती हवा, तुम सब को छोड़ कर आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम सब को छोड़ कर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तेरे मन की उलझने सुलझाना चाहता हूँ, तेरे मन की उलझने सुलझाना चाहता हूँ, तुम्हें आज से अपनी मैं बनाना चाहता हूँ। मन के सुनहरे मंदिर मैं बिठाना चाहता हूँ, मन के सुनहरे मंदिर मैं बिठाना चाहता हूँ। यहाँ कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, कहती है झूमती गाती हवा, तुम सबको छोड़ कर आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम सबको छोड़ कर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बादल भी बन के पानी एक दिन तो बरसता है, बादल भी बन के पानी एक दिन तो बरसता है, लोहा भी जल के आग में एक दिन तो पिघलता है, जिस दिल में हो मोहब्बत एक दिन तो तड़पता है, जिस दिल में हो मोहब्बत एक दिन तो तड़पता है। यहाँ कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, कहती है झूमती गाती हवा, तुम सबको छोड़ कर आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम सबको छोड़ कर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बड़े चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं सबको छोड़ के आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और खुद मुझे छोड़कर बिलास चले जा रहे हैं एक साल के लिए। कभी तुम्हें ख्याल नहीं आता मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी। तू पगली है पगली, एक साल तो यूं करके गुजर जाएगा, बस पढ़ाई खत्म करते ही चला आऊंगा, फिर हम दोनों होंगे, सब कुछ हमारा होगा। हो
होगा ना? क्यों नहीं होगा? तुम्हें शक है? नहीं, डर लगता है। किस बात का? वहां जो भी जाता है ना विलायत, एक मेम साथ ले आता है। लेकिन हम तो अपनी मेम साहब साथ लेके जा रहे हैं। कैसे? कैसे? ऐसे। अरे हमको दो। हाँ हमको दो, मैं अकेला चला जाऊं? नहीं 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 नहीं, फिर मेरा ख्याल रखना। तुम भी मेरा ख्याल रखना। वो तो रह गई। चल। डॉक्टर मोहन और डॉक्टर जान आपसे मिलने आए हैं। उन्हें अंदर भेज दो और हाँ मिस्टर राम को बुला लो, उन्हें कहना अकेले आए। यस डॉक्टर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये है मरीज का एक्सरे। It has deeply affected the lower lobe. Look at the enlarged glands. You are right. काफी advanced case है। आपने ठीक कहा था। जी हाँ। आइए राम बाबू। आपने कोट और कमीज निकाल के यहाँ लेट जाइए। मेरा ख्याल है कि मरीज की मौजूदा हालत में सिवाय ऑपरेशन के कोई चारा नहीं, और ये ऑपरेशन 15 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। लेकिन इस स्टेज पर ऑपरेशन की माने आप समझते हैं डॉक्टर? जी हाँ समझता हूँ, लेकिन मैं मरीज और डॉक्टर दोनों की तकदीरें अगर ऊंची हो तो ऑपरेशन कामयाब भी हो सकता है। हो सकता है। सीता देवी, आपको इस ऑपरेशन पर कोई एतराज तो नहीं? जी नहीं। ओके डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक। विश यू गुड लक। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर साहब, मेरे पति की जो हालत है मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन मेरी तकदीर अब आपके हाथ में है। मैं अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करूंगा सीता दीदी, मगर मेरे इलाज के साथ साथ आपके पति को भगवान की दया की भी जरूरत है। भगवान आंखों से उछल है, उसे मेरी खामोशियां पुकारेंगी। आप मेरे सामने हैं, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मेरे कुमकुम की रक्षा कीजिएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मेरे फर्ज में कोताही नहीं होगी। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, ये बात मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि जिस अस्पताल में मैं अपने पति को लेकर पहुंचूंगी वहां आप डॉक्टर होंगे। ये अजीब इत्तेफाक है सीता देवी। बॉय, यस, इन्हें स्पेशल वार्ड तक ले जाओ। मैं तो कहता हूँ सीता तुम भी घर चली जाती, तुम यहाँ बेआरामी होगी। जी हाँ, मर ही तो जाऊंगी बेआरामी से। तुम घर जाओ और सुनो, कल सुबह साहब के और मेरे कपड़े यहाँ पहुंचा देना। अच्छा जी। डॉक्टर ने कहा है जब तक मरीज अस्पताल में है वो यूं बैठेगा। डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि मरीज अस्पताल छोड़ने के बाद कहाँ जाएगा। अपने घर जाएगा राम बाबू, और कहाँ जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। राम बाबू जी, आज 10 तारीख है और आज से ठीक 15वें रोज यानी 24 तारीख को मैं आपका ऑपरेशन करूंगा, फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर, अगर मेरा ऑपरेशन आप कल ही कर दें तो? नहीं नहीं राम बाबू, इतने बड़े ऑपरेशन से पहले बहुत जरूरी है कि आपकी सेहत काफी अच्छी हो जाए ताकि आप उस ऑपरेशन का मुकाबला कर सकें। आप लखनऊ के रहने वाले हैं डॉक्टर? लखनऊ? हाँ, आप बातें बहुत खूबसूरत करते हैं। मैं नैनीताल का रहने वाला हूँ राम बाबू। नैनीताल? जी, मेरी पत्नी भी नैनीताल की रहने वाली है। सीता देवी, आपके पति को मुकम्मल आराम की जरूरत है, इसलिए ख्याल रखिएगा कि इनके रिश्तेदार आके परेशान न करें। मेरा तो कोई रिश्तेदार ही नहीं डॉक्टर, मैं छोटा सा था, मेरी माँ चल बसी और फिर मेरी शादी के 1 बरस बाद मेरे पिताजी गुजर गए। अब ले देकर हम ही दो हैं और हमारा कारोबार यहाँ है, इसीलिए इस शहर में रहते हैं।
प्रणाम बाबू, मैं चलूंगा। थैंक यू डॉक्टर। हमें ये डॉक्टर बहुत पसंद आया सीता, तुम्हें कैसे लगे? जी जी हाँ, बहुत अच्छे आदमी हैं। अब आप लेट जाइए ना। मेरी बिटिया क्या बिस्तर ही में पड़ी रहेगी? जी नहीं, घूम फिर सकती है। कैंसर का मर्ज दूसरी बीमारियों से बहुत अलग है, और आजकल तो ऐसे इलाज निकल आए हैं कि अगर शुरू में पता चल जाए तो मरीज को बचा लेना कोई मुश्किल नहीं। आप अपनी बेटी के बारे में बेफिक्र रहिए। नीलू लाल जी हुजूर, इन्हें वार्ड में ले जाओ। अच्छा चलो। माफ करा देवी। अच्छा बेटी मैं जाता हूँ, लेकिन इस कमरे में तुम अकेली घबराओगी तो नहीं? अरे का बात करत हो बाबू, इका भूत बंगला है का? देवी हमार थोबड़ा भूत जैसा लगा था ऐसा। तुम कौन हो जी बीच बोलने वाले? मालिक वैसे तो हम तुहार चाकर हैं, लेकिन ई अस्पताल में हमार का पोजीशन है ई जानना चाहते हो तो भगवान की दया से हम रुपए में 125 आना डॉक्टर हैं, बाकी रह गए कितने आने 125। तो वो हमार बड़े डॉक्टर साहब हैं। कभौ कभौ जब हमार बड़े डॉक्टर साहब की तबीयत खराब होत है तो उका भगवान की दया से हम ही इंजेक्शन लगाते हैं। तुम्हें इंजेक्शन कौन देता है जी? देखो भड़ाऊ, इस अस्पताल में खामखा की गुफ्तगु नहीं चलेगी। अब्बा अब्बा तुम कहत रहे कि हम जात हैं, सो अपना बचनवा पूरा करो और खिसको यहाँ से। अच्छा बेटी। अच्छा गया। ए, उठा। उठत है। अच्छा रानी, अब हम तुहार संग कायदे की गुफ्तगु करत हैं। तुहार नाम क्या है? मैनावंती। बहुत अच्छी। हमार नाम लल्लू लाल है। तुहार बाली उमरिया का है? 19 बरस। बहुत अच्छे। हमारे 21 बरस। अच्छा सुनो, तुहार आगे पीछे छोटे बड़े भाई बहन है? कोई नहीं। नहीं लाइन क्लियर? मतलब ये के तुहार बच्चे कितने हैं? मेरी अभी शादी नहीं हुई। अरे तो भाग्यवान, इसमें गर्म होने की क्या जरूरत है? शादी तो हमार भी नहीं हुई, लेकिन देखो हम कितने ठंडे हैं, बर्फ का गोला। अच्छा सुनो भाग्यवान, तुहार बुढ़ाओ का मिजाज शरीफ कैसा है? ये सब बातें इस फार्म में लिखनी पड़ती है क्या? अरे ना रे, ये सब तो हम उबलिग में पूछत है अपने लिए। जरा तोरे मायना देखे। वाह वाह वाह, अरे ये का है? क्या है? तुहार अखियन में हमार फोटो है। अरे तुहार हूँ भी गजब है। बा बा बा, अब तनिक नबजबा देखें। अरे मरदवा, शरीर में तनिक शरारत है। क्या मतबल ये के हरारत है? अच्छा समझ गवा देवी, समझ गवा, अकलमंद को इशारा ही काफी होत है। हमार मतबल ये है कि अगर हमार सेवा की जरूरत पड़े तो हमका तनिक इशारा कर देना, हम दरवाजे पे तुहार इशारे का इंतजार करत हैं। अच्छा अच्छा, तुम जाओ। जात है। ए! हाँ हाँ गिरधारी, वो सब सामान लेकर तुम हॉस्पिटल चले आओ। क्या नहीं, मिठाई खाने की उन्हें इजाजत नहीं है, तुम सिर्फ फल ले आना। अच्छा ये दवा बहुत कड़ी है, ये नहीं पी सकती। तू नहीं पिएगी तो थप्पड़ मारूंगी। सिस्टर, बच्चों के साथ गुस्से से नहीं प्यार से बात करनी चाहिए। ये बहुत जिद्दी लड़की है। जिद्दी तुम हो, जो हालत कहती हो दवा पियो। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सीता। मेरा नाम उमा। तुम तो अपनी माँ की बड़ी अच्छी बिटिया हो। आंटी की बेटी बनोगी? बनेंगी, मगर ये जैसे ना मेरे पास मत आने देना। अच्छा अब अच्छी बेटी बनकर जल्दी से ये दवा पी जाओ। ना आंटी जी, ये दवा बहुत कड़वी है। अपनी आंखें मून के नाक बंद करके गट से पी जाओ, फिर कड़वी नहीं लगेगी। मीठी थी ना? अच्छा अब तुम आराम करो, मैं फिर आऊंगी। मैं नहीं जाने दूंगी, मेरे पास ठहरो। अच्छे बच्चे बड़ों का कहा मानते हैं। चलो अब लेट जाओ। उमा उमा, स्लीपिंग, डोंट टॉक।
डॉक्टर साहब, मेरे पति के दिल में आपके लिए बड़ी इज्जत है। कैंसर का असर मेरे सारे बाएं फेफड़े पर हो चुका है। डॉक्टर धर्मेश कह रहे थे अगर ऑपरेशन हो जाए तो मैं भला चंगा हो जाऊंगा, मगर अंकल मुझे कुछ विश्वास नहीं है। विश्वास का ऊपर ही तो इंसान जीता है राम बाबू। लॉर्ड जीसस का मेहरबानी से सब ठीक हो जाएगा। धर्मेश बहुत अच्छा डॉक्टर होता, उसका हाथ लगने से ही मरीज लोग ठीक हो जाता। ये मेरी पत्नी सीता, सीता ये अंकल फिलिप यहीं अपना इलाज कराने आए हैं। गॉड तुम दोनों का जोड़ी बराबर रखे। आप बैठिए ना। हाँ हाँ सीता, ने गरम गरम हॉर्लिक्स पिलाओ। नहीं बेटा, हमारा प्रेयर का टाइम होता है। गॉड ब्लेस यू। आप जाएंगे? सीता तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? अस्पताल के दूसरे मरीजों से मिलने गई थी। यहाँ एक छोटी सी बच्ची है, बड़ी प्यारी है, अपनी बातों से उसने मेरा मन मोह लिया। अगर ऐसी बात है तो हम उसे गोद क्यों ना ले लें? क्यों जी, हम अभी से बूढ़े हो गए हैं क्या? हेलो राम बाबू। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। कहिए तबीयत कैसी? तबीयत के क्या कहने, बिल्कुल बुलंद है, और फिर हम दोनों को यहाँ हर तरह का आराम है। ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई। डॉक्टर जी, आपने मुझे खाने पीने में तो कोई परहेज बताया नहीं, इसका मतलब यह है कि जो मैं चाहूं खा भी सकता हूं ना? बड़े शौक से। अब बोलो सीता, तुम तो कह रही थी कि डॉक्टर ने कॉफी चाय मना कर दी है। माफ करना राम बाबू, मैं भूल गया, चाय कॉफी आपके लिए अच्छी नहीं। अब आप बोलिए, डॉक्टर साहब ने वही कहा ना जो मैं कह रही थी। भाई ये खूब रही, आवाज तुम्हारी और बात इनके दिल की, आप दोनों तो मिल गए हैं, अब मैं मनमानी नहीं कर सकता, है ना सीता? बाजू निकालिए राम बाबू। ये इंजेक्शन क्या है डॉक्टर? इससे आपकी तंदुरुस्ती बढ़ेगी। मैं तो कहता हूं सीता, ये इंजेक्शन एक आध तुम भी ले लिया करो। देखा डॉक्टर, इन्हें अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं है, पहले से कमजोर भी हो गई हैं और कभी कभी बेहोशी के दौरे पड़ने लगे। ये तो बहुत सीरियस बात है सीता देवी, इसका इलाज अभी से होना चाहिए। ये तंदुरुस्त हो जाए, मैं आप ही आप अच्छी हो जाऊंगी। मेरी तंदुरुस्ती का क्या कहती हो, अब तो चला चली का मेला है, क्यों डॉक्टर? ऐसा क्यों कहते हैं राम बाबू, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अभी एक पूरी जिंदगी है आप दोनों के सामने। आप कहते हैं तो मान लेता हूँ, लेकिन कैंसर कैंसर है डॉक्टर। जी हाँ, लेकिन विश्वास विश्वास है राम बाबू। अच्छा तो फिर एक बात याद रखिए जी, अगर मैं इस बीमारी से जिंदा निकल आया तो 1,5,00,000 रुपए का चेक आपके टेबल पर रख रखकर लौटूंगा। तो अभी से कलम और चेकबुक तैयार रखिए, और ये समझ लीजिए कि आपका 5,00,000 रुपया आपसे बिछड़ गया। एक बात कहूं सीता, अगर डॉक्टर का ये विश्वास सच निकला तो अपने 5,00,000 तो गए समझो। क्या कह रहे हैं, आपकी जान सलामत रहे, रुपए का क्या है? जिसके पास रुपया नहीं उससे पूछो, रही जान सो तो सबके पास है। अरे भाई तुमसे तो बात करना भी 99 का घाटा है, जरा सा मजाक किया और आप हो गई नाराज। नमस्ते मालिक। नमस्ते गिरधारी। मालिकन ये लीजिए तस्वीर। जरा हम भी देखें। ये मैंने मंगवाई है अपने लिए। तो फिर ये कोई खास ही तस्वीर होगी जिसे हम नहीं देख सकते। सीता तुम जैसी देवी ऐसे ही देवी और देवता की पूजा कर सकती है। इन दोनों की छाया मैं इन आंखों में भी देख सकती हूँ। सच? हाँ हाँ।
याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, पालता उनको जतन से, पालता उनको जतन से मोती के दाने देता, सीने से रहता लगाए याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों उनकी छुपा के रख दूं जहां जीता है, तस्वीर उनकी छुपा के रख दूं जहां जीता है, मन में बसी ये मूरत, मन में बसी ये मूरत लेकिन मिटी न मिटाए, कहने को है वो पराए याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए याद न जाए बीते दिनों की। आई आई राम बाबू मत कहिए डॉक्टर, अब तो सिर्फ राम कहिए, हम तो दोस्त हो चुके हैं। क्यों नहीं क्यों नहीं, बैठिए ना। मैं तो यूं ही चला आया डॉक्टर, बैठे बैठे उकता गया था, मैंने सोचा आपसे कोई किताब मांग लूं पढ़ने के लिए। मगर मेरे पास सिवाय डॉक्टर की खुश किताबों के और क्या है राम। डॉक्टर कोई मैगजीन वगैरह नहीं आपके पास? ये मैगजीन ले लो। मेरा मतलब है इसमें क्या रखा है, ये तो पुराना है, मैं आपको नया मंगवा देता हूँ। डॉक्टर मेरे लिए नया और पुराना क्या, मुझे तो वक्त काटना है, इसे ही पढ़ लूंगा। आप आराम कीजिए, मैं चलूं, सीटा इंतजार कर रही होगी। डॉक्टर धर्मेश क्या किताब लेने गया था, ये मैगजीन मिला। अच्छा आप जल्दी से पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी।
आज यहाँ बैठ के बातचीत करेंगे? ना 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 ना, यहाँ मैं बैठी हूँ। क्यों? ओस पड़ रही है, सर्दी लग जाएगी। मैंने स्वेटर तो पहनी हुई है ना। नहीं नहीं, आप अंदर चलिए ना। बाहर इतना अच्छा लग रहा था और सर्दी लग। अच्छा लाओ मैगजीन तो दो। Sometimes the torrent seems so cold and tempting that I feel like having a plunge into it and swim on to eternity. तैयार हो गया डॉक्टर, चलिए चलिए। सीता, मैं कोबाल्ट ट्रीटमेंट के लिए जा रहा हूँ, 10 मिनट में लौट आऊंगा। नहीं राम बाबू, कम से कम 1 घंटा लगेगा। मैं नए सिरे से आपके सारे टेस्ट लेना चाहता हूँ। ये कुमकुम और प्रसाद ले लीजिए। क्या ढूंढता फिरता लल्लू लाल? अरे अंकलवा जी, वही छोटी सी आफत जी का उमा का हाथ है। दवाई देखते ही न जाने कहां फरार हो गई। हम उनका सुबह से ढूंढत हैं। समझे, मगर वो आज हमारा कमरे में तो नहीं आया होता। ससुरी यहाँ नहीं आई तो फिर कहां गई? इधर ही किधर होगा, तुम उसको उधर ढूंढा, इधर आएगा हमारा पास तो हम समझा बुझा कर तुम्हारा पास ले आएगा। ठीक है, तो फिर हम मैना बंती के कमरे के सामने ड्यूटी भरा था, उनका वहां भेज दे। जरूर जरूर। मैना बंती। अंकल जी। गुड हेवंस, तुम इधर भी छुप के बैठा होता? मैं आपसे नहीं बोलूंगी, मेरी आपकी कट्टी। मगर हम तो कुछ मिस्टेक नहीं किया होता बेटी। आपने अभी कहा तो मैं मेहमान को दवाई पिलाने के लिए लाऊंगा, मैंने सब सुन लिया। कट्टी कट्टी। आंटी जी। अरे कहाँ चली गई थी तुम? आज मुझे बहुत काम था। अच्छा, साथ वाले कमरे में फीले पंख है ना, बच्चों की तरह सिद करके बैठ गई कि दवा नहीं पियेंगे। मैंने जब उनको डराया कि दवा नहीं पियेंगे तो भगवान आपके आंखें निकाल कर ऊपर आसमान पर ले जाएगा, तो डर के उन्हें दवा पी। ये सारी बातें जो तुमने कही सब झूठ थी ना? परंतु तो अपन ज्यादा झूठ नहीं बोलेंगी। आज से झूठ बोलना बंद, समझ में आया? देखो मैं तुम्हारे लिए सेब लाई हूँ। इतने सारे लिए क्यों? तुम्हारे खाने के लिए। अगर मैं खा लूं तो तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी। फिर तुम घर जाओगी? नहीं आंटी जी, मैं नहीं जाऊंगी, यही ठहरूंगी। क्यों गुड़िया? मेरा घर मैं है आंटी जी। उमा मां। नमस्ते बहन जी, मेरा नाम सीता है। बैठिए ना आप। आपकी ये बिटिया बहुत प्यारी है। माँ, ये आंटी जी भी बहुत ही प्यारी है। सच? तुम दोनों आपस में बातें करो ना, मुझे बहुत काम करना है।
आपसे मिलके मैं बहुत खुश हुई। आप भी? जी, मेरे पति बीमार हैं, उनकी देखभाल के लिए मैं यहाँ रहती हूँ। मेरी बच्ची का भी ख्याल रखिएगा, इसके सिवा दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। वो जवागन के पास तो इतना समय भी नहीं होता कि आके अपनी बच्ची को देख सकूं। ऐसा क्यों? क्या बताऊं बहन, इसके पिता मेरी शादी के कुछ ही महीनों बाद परलोक सिधार गए। इसने तो अपने पिता का मुंह भी नहीं देखा। बेचारी, मैं लोगों के घरों में रोटियां पका के दो रोटी कमाती हूँ। डॉक्टर साहब ने हम गरीबों पर इतनी बड़ी दया की जो मेरी बच्ची को इधर रख लिया, बिना पैसे इलाज कर रहे हैं। आप उमा का फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। भगवान आपके पति को अच्छा कर दे। वो अकेले होंगे, अब मैं जाती हूँ। अच्छा। उमा कहाँ हो? यहाँ, इधर। प्यारी सी गुड़िया। हमारे होते हुए आपको ये काम इस बच्ची से नहीं लेना चाहिए। आंटी ने मुझसे चढ़ा कहा, मैं तो आप ही करेंगी। फिर कभी किया तो? फिर क्या करेगी? डॉक्टर साहब से शिकायत कर दूंगी। कब तो? देखिए, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो घंटी बजा दीजिए, हम में से कोई ना कोई आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तुम आपकी आहिस्ता आहिस्ता। तो इस कमरे से जाती है या नहीं? टाटा। मौसी, हे मौसी। क्या है? सुना है जो इस शहर में बीमार पड़ता है उसको इसी अस्पताल में लिटा देते हैं, वो लेटने लिटाने की जगह कौन सी है? जरा धीरे बोलो, क्या चाहते हो? जरा ऊंचा बोलो। अच्छा, बोलते हैं नए गांव में पंडित दत्थूराम है ना, उसका लड़का शहर में नौकरी करता है, उसी के पड़ोस में हम। एलानूलाल, देखो ये क्या कहता है। हो थैला, यहां आवा आवा आवा। अरे ई का है, सारा क्राफ्ट मार्केट सर पर उठा लाए हो, कौन हो तुम? एक नाथ कीर्तन। कीर्तन तो देखो, इस अस्पतलवा के आगे एक मंदिर है, वहां जाके कीर्तन करो। अरे मेरा यार, ये तो मेरा नाम है। ऐसा? हाँ, इस अस्पताल में हमारी प्रिय प्रीतमा है। कौन है वो बदनसीब? मैनावंती। मैनावंती कमरा नंबर पांचवा, ई नहीं हो सका। अरे अरे भैया, वो तो मेरी होने वाली बीबी है मेरे यार। देखो भैया, आप मैनावंती से नहीं मिल सका। क्यों? देखो अभी 4 बज गए हैं, मरीजों के मिलने का वक्त खत्म हो गया। अरे मेरा यार, मैं तो 20 को से आ रहा हूँ। अरे तो हम क्या करी, तनिक जल्दी आए तो मिल जाए। अरे मेरे यार, मैं तो मोटर लारी में बैठकर गांव से आ रहा हूँ, क्या बताऊँ, ड्राइवर ने गाड़ी इतनी तेज चलाई। देखो छैला, कुछ भी कहो लेकिन आज मिलने का कोई चांस नहीं। अरे वाह, मैं तो अपनी मैनावंती को मिले बगैर नहीं जाऊंगा। मैनावंती? मैनावंती के दर्शन बिना नहीं जा सका? नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, इसका मतलब समझा तो? नहीं, इसका? हाँ हाँ समझा। निकाला, जरा जल्दी करा, मिला। देखो गुफ्तगू में टाइम बर्बाद नहीं करना। नहीं नहीं नहीं, आओ। मैनावंती, यो हो मैना, तनिक इधर देखो। मैनावंती, मैनावंती, हट हट, देख कौन आया है। अरे देख तो, मैं तेरे लिए क्या क्या लाया हूँ। तुम कब आए? अरे आज ही, उधर सूरज देवता आकाश से ढल रहा था, हट, और मैं तेरे पास आने के लिए शहर में चल रहा था। गांव में सब अच्छे हैं ना? अरे वाह, तूने मेरा हाल तो पूछा ही नहीं। मैनावंती, मैंने तेरी बीमारी की खबर सुनी तो मेरे दिल पर छुरियां चलने लगी। उधर तेरे बाप ने हमारी तुम्हारी शादी का मुहूर्त निकाला और इधर बीमारी कहां से आ गई? अच्छा हुआ बीमारी आ गई, मतलब ई के शादी में बीमारी से मजा किरकिरा हो जात है। क्या? किरकिरा। मैनावंती, देख, जब तक तू अच्छी नहीं हो जाएगी मैं इधर से नहीं जाऊंगा। मैं आज ही शहर में किसी धर्मशाला में डेरा डालता हूँ। मेरे लिए तुम्हें भी बहुत तकलीफ होगी। अरे वाह, मुझे तेरे लिए जो कुछ सहना पड़ेगा कहूंगा, अगर हो सका तो अपनी जमीने भी बेच दूंगा। ई सब ठीक है जौन है तौन, मगर अभी गुफ्तगू का वक्त खत्म हो गवा, अब खिसको यहाँ से। अच्छा मैनावंती, मैं जाता हूँ, कल फिर आ जाऊंगा। अच्छा। देखो परदेश है, अपना ध्यान रखना। तू फिक्र ना करियो।
ओ छैला, जब कल तुम आ ही रहे हो तो कराफट मार्केट से कराची का हलवा और कश्मीरी सेब लाकर हमारे हाथ में थमा देना। हा? अरे हमार मुखड़ा का देखत हो, उका जरूरत है, उका सेहत के वास्ते। सेहत के वास्ते? हाँ। कराची का हलवा और कश्मीरी सेब, नहीं समझे? देखो, गोल गोल और लाल लाल। डॉक्टर साहब, आप हर वक्त अस्पताल में रहते हैं, उकता नहीं जाते? नहीं राम बाबू, दूसरों के सुख और आराम की देखभाल में कुछ अजीब मजा है। वक्त कब गुजर जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। धर्मेश। माँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। कैसे हो? अच्छा हूँ। डॉक्टर साहब, हमें अपनी माताजी से नहीं मिलवाइएगा? माँ, ये राम बाबू हैं और ये इनकी पत्नी हैं सीता। नमस्ते बेटा। ये अपने इलाज के लिए मेरे पास आए। मेरे बेटे के हाथ में शिफा है, तुम बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे। माँ, इन दोनों को आशीर्वाद दो कि सीता और राम की जोड़ी हमेशा बनी रहे। जीती रहो बेटी, सदा सुहागन रहो। आप बैठिए ना। धर्मेश, देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। क्या लाई हो माँ? रबड़ी, तुझे बहुत पसंद है ना? डॉक्टर, एक जरूरी टेलीफोन है आपके लिए। माँ, मैं अभी आता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं रबड़ी खा सकता हूँ? थोड़ी सी खा लो। लो बेटा लो, लाई माँ सही थोड़ी सी दीजिए। लो सीता, तुम खाओ। ना, आप खा लीजिए। माँ हो तो ऐसी हो, बेटे के लिए रबड़ी लाती है। और करूँ भी क्या, धर्मेश को तो माँ के पास आने की फुर्सत ही नहीं, उसके लिए तो अस्पताल ही उसका घर है। एक बात कहूँ माँ जी, आप डॉक्टर धर्मेश की शादी कर दीजिए, फिर देखिए कैसे भागे भागे घर आते हैं। क्या बताऊं बेटा, मेरे धर्मेश का तो हर सौदा जीने मरने का सौदा है। एक लड़की उसके जीवन में आई और मोह माया के झूठे खेल खेल कर ऐसी गई कि मेरे धर्मेश को भी साथ ले गई। बस उसके बाद मैं अपने बेटे को पा नहीं सकी। प्यार प्यार तो माँ जी आजकल कुछ दिल लगी हो गया है, न जाने कितनी जिंदगियां ऐसी तरह बर्बाद हो जाती हैं। देखो ना, उस लड़की ने मेरे बेटे से प्रेम किया और किसी दूसरे से ब्याह कर लिया। हाँ माँ जी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि डॉक्टर उम्र भर कुंवारे रहेंगे। उन्हें शादी करना पड़ेगी, हम उन्हें जरूर समझाएंगे। अगर तुम लोगों के कहने पर राजी हो जाए तो मैं सारी उम्र तुम्हारा एहसान मानूंगी। हम पूरी कोशिश करेंगे माँ जी। अच्छा, शाम सर पर आ गई है, मुझे मंदिर भी जाना है। और धर्मेश माँ जी? उसे तो मिलकर ही जाऊंगी। अच्छा बैठो बेटी, बैठो। अच्छा बेटा, नमस्कार। नमस्कार। सीता देखो, जिंदगी भले आदमियों को भी क्या क्या रंग दिखाती है। हर इंसान की अपनी तकदीर है, उसे कौन बदल सकता है? तकदीर नहीं सीता, ये एक लड़की की बेवफाई है। प्यार किसी से, शादी किसी से। डॉक्टर का ख्याल आता है तो मुझे बहुत अफसोस होता है। ऐसे पढ़े लिखे आदमी ने न जाने एतबार कैसे किया ऐसी औरत पर जिसके लिए प्यार, दिल लगी और खेल था। न जाने उस लड़की की क्या मजबूरियां थी। मजबूरियां? नहीं सीता, ये बात मैं नहीं मानता। अगर डॉक्टर से उसका प्यार सच्चा था तो फिर वो अपने पति से एक बहुत बुरा मजाक कर रही है। और अगर उसका प्यार अपने पति से सच्चा है तो फिर वो डॉक्टर से खेल ही खेल रही होगी। ऐसी एक औरत के हाथों बर्बाद होकर एक सियाने ने कहा है, काले चोर का एतबार कर लेना, औरत का एतबार कभी ना करना। सीता, रोने लगी? अरे मैं तो बात से बात कर रहा था। पगली, तुम तो एक देवी हो सीता। एक ऐसी देवी हो सीता कि मुझे दुख होता है इस ख्याल से भी कि औरत का कोई और रूप भी हो सकता है। मेरी तमाम जिंदगी को तुमसे फखर है सीता, तमाम जिंदगी को तुमसे फखर है।
सेब का शरबत? हाँ। नीतू का किसने दिया है? सीता आंटी जी ने, पर मुझको अच्छा नहीं लगता। तुमको अच्छा लगता है? अरे हमों को तो मुफ्त का खाने की आदत हुई गई है। तनिक ठहरा, देख रहे हमारी नौकरी कहीं खतरे में न हो जाए। कोई नहीं, ले लो। देखो तुम सचमुच नहीं पियोगी? नहीं। तो फिर हम इसका इकट्ठा करते हैं? हाँ। देखो हम पी जाएंगे। देखो तुम फिर रोगी तो नहीं? नहीं। अरे का नहीं, बच्चा रोए तो उसका संग दुनिया होए। तुम हमका मुसीबत में तो नहीं डाल रही हो? तो हम पी थे। अरे क्या उल्लू बना? क्या हुआ बेटी? खबरदार जो वहां बैठा यहां आवा। अंकल से तो मारेगा। अरे छोटा बच्ची तुम इसको डराता क्यों? अरे का बताया अंकल वाजी, हमका सेब का शरबत कह के कड़वी दवाई दे दी। तुमने पी क्यों? है ठीक तो बोलता बच्ची, इसने तुमको कुछ भी दिया तुम पिया क्यों होता? गलती हो गई, अपने हाथों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। लेकिन हमका का खबर ये बंदरिया ऐसी शरारत करेगी। बंदर तुम हो या तुम की कसर है? नहीं बेटा, बड़ों को ऐसा नहीं बोलता। देखा था अंकल बा, अरे हम तो हर शिकायत डॉक्टर बाबू से करता हूँ। डॉक्टर से शिकायत बोलेगा तो उल्टा सजा तुम्ही को मिलेगा। तुम पेशेंट लोग से कुछ भी लेकर कैसा कहता पिता? अरे ये तो हम खुद ही फंस गए। अरे बेटी हमार बिटिया हमार मुनिया, देखो अभव अभव तुमने जो अंकल बा से कहा है ना, ये सब दादर बाबू से नहीं कहना। आवा, अरे आवा। मैं नहीं आऊंगी। इसको हमारा पास रहने दो, तुम जाओ। जाते हैं हमार मुनियो, हमार नौकरी की पालन हो। माफ करा अंकल जी, आप मेरा बहुत एहसान। अरे 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 इसे ले, बैटरी ले जा। यस डॉक्टर। डॉक्टर अगर आपको जल्दी ना हो तो क्या मैं आपसे 5 मिनट बात कर सकता हूँ? क्या है राम? बैठिए। शुक्रिया डॉक्टर। अगर मैं आपकी जाती जिंदगी के मुतल्लिक कुछ पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं तो। आपने अभी तक शादी नहीं की इसलिए राम कि मैं डॉक्टर हूं और अपनी पूरी जिंदगी से अस्पताल को दे चुका हूं। तो क्या आपके ख्याल में दुनिया के तमाम डॉक्टरों को ब्रह्मचारी रहना चाहिए? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, बस अपना अपना ख्याल है। होगा, लेकिन मुझे तो ऐसा मालूम होता है जैसे आपके दिल में कुछ और, जबान पर कुछ और। नहीं राम, मैं सच कह रहा हूँ। नहीं डॉक्टर, आप सच नहीं कह रहे, सीता गवाह है। सीता तुम ही डॉक्टर से इनकी शादी ना करने का कारण बताओ। हाँ हाँ, कल जो इनकी माँ जी कह रही थी, मैं बोलूंगा तो शायद इन्हें यकीन ना आए। माँ ने मेरे बारे में क्या कहा? डॉक्टर ऐसा मालूम होता है तुम्हें किसी लड़की से प्यार था। मेरी जिंदगी की बीती बातें सुनकर क्या करोगे राम? क्या करूं डॉक्टर, मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त भी समझता हूं, तो क्या यह मेरा फर्ज नहीं कि मैं अपने दोस्त की खुशी और गम में उसका साथ दूं? तुम्हें किसी से प्यार था ना डॉक्टर? हाँ। क्या वो भी आपको सच्चे दिल से प्यार करती थी? उसका प्यार झूठा होगा, धोखा और फरेब होगा। नहीं नहीं राम, ऐसा मत कहो। वो देवी थी, उसका प्यार सच्चा था। उसका प्यार सच्चा होता डॉक्टर तो क्या वो किसी और से शादी करके आपकी जिंदगी यूं खराब करती? राम इसका मेरे पास कोई जवाब। डॉक्टर क्या बात है सीता देवी? मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहती हूँ। राम की तबीयत अच्छी है ना? जी हाँ, मैं आपसे आपके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। कहो।
आप शादी क्यों नहीं कर लेते? आप शादी कर लीजिए। इस बात का जवाब देने से पहले एक सवाल पूछ सकता हूं। मैं जानता हूं सीता, मेरा तुमसे यह सवाल पूछना शायद पाप है, क्योंकि तुम किसी दूसरे की पत्नी हो। तुम्हारा और तुम्हारे पति का बिल्कुल धूप छांव का सा साथ है। अपने दिल की गहराइयों से मैं ये भी चाहता हूं कि दुनिया का हर वो सुख जो किसी को नहीं मिला वो तुम्हें और राम को मिले। मैं अपने आप को खुश नसीब जानूंगा सीता, अगर मेरी कोशिशों से तुम्हारी जिंदगी के हर एक लम्हे में हजार हजार मुस्कुराहटें से मिटाएं। लेकिन एक सवाल है जो दिन रात अंगारे की तरह मेरे सीने में सुलगता रहता है, उसका जवाब सिर्फ तुम दे सकती हो सीता, तुम। वो सवाल आप जरूर पूछिए, मेरे जवाब से अगर आपको जरा भी शांति मिल जाए तो मैं समझूंगी मैंने जो नाइंसाफी आपके साथ की है उसके प्रायश्चित का मुझे मौका मिल गया। सीता माफ करना, मैं तुम्हें बीते दिनों की याद दिलाने लगा। याद है तुमने कहा था तुम मेरे सिवा किसी और से शादी नहीं करोगी, ये भी कहा था कि तुम मेरे सांसों में समा चुकी हो, मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई और दुनिया में तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। सीता ये थी तुम्हारी जिद जिसे मैंने चट्टान से भी ज्यादा मजबूत समझा। सिर्फ इतना बता दो कौन सी भूल कर दी मैंने जो तुम्हारी नजरों से गिर गया। डॉक्टर तुम छिन गई, मेरा प्यार छिन गया, मेरा सभी कुछ छिन गया। मुझे बस इतना बता दो कहीं मुझसे वो इज्जत तो नहीं छिन गई जो मेरे लिए तुम्हारे दिल में थी। आप मुझसे मेरी नफरत और अपनी इज्जत का हिसाब मांग रहे हैं तो सुनिए, मैंने आपसे एक पल के लिए भी नफरत नहीं की और जो इज्जत मेरे दिल में आपके लिए शादी से पहले थी वही अब भी है, हमेशा रहेगी। मेरे कारण आप जिंदगी भर के लिए उदास हो गए ये मैं जानती हूँ, लेकिन आपसे बिछड़ने के बाद तकदीर ने मुझसे क्या खेल खेले ये आप नहीं जानते। यही तो मैं जानना चाहता हूँ सीता, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। एक दिन उस बैंक में जहां मेरा नेक और बूढ़ा बाप काम करता था 30,000 रुपयों की चोरी हो गई और उसका इल्जाम मेरे गरीब बाप पर लगाया गया। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई और फिर हालात कुछ ऐसे हो गए कि उनका जेल जाना यकीनी हो गया। उस वक्त राम के पिता जो उस बैंक के डायरेक्टर थे हमारी मदद को आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि अगर सीता का ब्याह उनके बेटे राम से हो जाए तो वो ये 30,000 का घाटा पूरा कर देंगे। और फिर राम की शादी हो गई 30,000 रुपए से खरीदी हुई सीता के साथ, है ना सीता? यहाँ तो बेटियों को ब्याहने के लिए रुपया देना पड़ता है, फिर राम जैसे खूबसूरत अच्छे नौजवान की शादी। हाँ, डॉक्टर साहब ये 30,000 रुपए खर्च करना जरूरी हो गया था क्योंकि राम के पिता जानते थे कि राम को कैंसर है। सीता। लेकिन राम को इस बात का कुछ भी पता नहीं था और फिर अचानक मैं एक दुराहे पर आ खड़ी हुई जहाँ एक तरफ मेरा प्यार मेरी खुशी थी और दूसरी तरफ मेरे बाप की इज्जत मेरा धन। धन के रास्ते पर चलकर मैंने आपसे कोई बुराई नहीं की, किसी से कोई बुराई नहीं की, किसी से कोई बुराई नहीं की। आप यहाँ? सीता, दुनिया में ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिन्हें इंसान देखकर हैरान रह जाता है। मेरा मतलब है आज
आप भी भगवान का नाम लेंगे? और क्या, इंसान का जब इंसान पर से विश्वास उठ जाता है तो वो उसे भगवान के चरणों में ढूंढता है, यही बात है ना? तुम भगवान से अपने लिए प्रार्थना कर रही थी या मेरे लिए? अपने लिए, ये कि मेरी मांग सदा भरी रहे। अगर भगवान हम इंसानों की सुनता तो ये दुनिया दुख सुख का खेल नहीं होती। ये आज आप क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, मैं समझी नहीं। नहीं समझोगी, दुनिया एक अजीब पहेली की सूरत है सीता, ना समझी जाती है ना समझाई जा सकती है। डॉक्टर साहब, इसकी सेहत अब कैसी है? फिक्र मत करो बहन, 18 तारीख को मैं इसका ऑपरेशन करूंगा, फिर ये बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। 18 तारीख? क्यों? कुछ नहीं, मुझे ऐसे ही ख्याल आ गया। 16 तारीख इसका जन्मदिन है। अरे अरे, हमारी बिटिया का जन्मदिन है क्या? हम अपनी बेटी का जन्मदिन मनाएंगे, ढेर सारे खिलौने लाएंगे। अच्छा, थैंक यू मामा। थैंक यू। टाटा। अब सो जाओ बेटा। शाबाश। आंटी जी। जीती रहो मेरी गुड़िया। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। ये सब मेरे लिए? आंटी जी, 16 तारीख मेरा जन्मदिन है। सच? आप क्या लाओगी? जो तुम चाहो, अच्छी सी फ्रॉक, तुम्हारे जैसी गुड़िया। माँ, तुम क्या लाओगी? मैं तुम्हारे लिए ये प्रार्थना लाऊंगी कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। सीता देवी, मैं आपके लिए टॉनिक लाया हूं, इससे आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। इसकी जरूरत नहीं डॉक्टर साहब, मुझे अपनी चिंता नहीं है। आप भले ही अपनी चिंता ना करें, मगर आप मेरी फिक्र करना छोड़ दीजिए। उससे तकलीफ का इलाज तो नहीं हो जाएगा, लापरवाही से सेहत और खराब हो जाएगी। आप तो बस उस खतरे को दूर कर दीजिए जो दिन रात मेरी जान खाए जाता है। सब ठीक हो जाएगा सीता देवी, आप ये। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं माफी चाहती हूँ। Thank you.
मेरी तस्वीर लौटा दीजिए। सीता, सीता, तुम्हारे चले जाने के बाद बस तुम्हारी परछाई ही तुम्हारे पास रह गई है। तुम उसे भी क्यों छीन लेना चाहती हो? मैं आपसे कुछ छीन भी सकती हूँ। ये सुनकर मुझे हौसला हुआ कि आप मेरी मजबूरी का जरूर ख्याल करेंगे। मैं किसी और की पत्नी हूँ डॉक्टर साहब, मेरी परछाई भी किसी दूसरे इंसान के पास नहीं रहनी चाहिए। सीता, परछाई एक कागज पर है जिसे अमानत मानकर वापस किया जा सकता है या किसी पाप की निशानी समझकर मिटाया जा सकता है, लेकिन उस तस्वीर और उस परछाई का क्या करोगी जो मेरे दिलो दिमाग पर एक कभी ना उतरने वाले नशे की तरह छाए हुए? उस याद का क्या करोगी सीता जो मेरे प्राणों को अपने साथ लेकर बार बार बीते हुए समय की तरफ लपकती है, जो दिन रात मुझे तड़पाती भी है और भली भी लगती है? बोलो सीता, उस याद को मुझसे छीन सकती हो तुम? मैं आपसे क्या क्या नहीं छीन चुकी, जब और कुछ भी छीनूंगी। मैं तो एक ऐसी भिखारन बन गई हूँ डॉक्टर साहब, जो बार बार एक ही दरवाजे पर आती है और हर बार ये शर्त बांध कर सदा देती है कि कोई ना कोई अनमोल चीज लिए बिना मैं नहीं टलने वाली। डॉक्टर साहब, उन बीते हुए दिनों की हर याद मुझे वापस दे दीजिए। काश मैं ऐसा कर सकता सीता। जिंदगी के रूप और छल में खोकर मैंने तुम्हें भूलने की लाख कोशिश की मगर नाकाम रहा। मिलना और बिछड़ना तो जिंदगी के दिन रात हैं। और जिंदगी के दिन रात मुझ पर कैसे गुजरते हैं तुम जानती हो? दिन जाने लगता है तो मुझे रात के हवाले कर जाता है, रात विदा होने लगती है तो एक नए दिन के हाथों सौंप जाती है, और ये दिन रात एक दूसरे से यही कहते हुए चले जाते हैं, इस लाश को वक्त के रास्ते पर एक मंजिल और आगे ले जाओ। ये इंसान हाल ही में मरा है लेकिन इसकी चिता बरसों बाद जलेगी। डॉक्टर, इंसान जो जिंदगी में खो देता है उसकी तलाश किसी ऊंचे आदर्श में करता है, और ये तलाश कभी नाकाम नहीं होती, क्योंकि हर ऊंचा आदर्श एक गंगोत्री है जो सुख और शांति की पवित्र गंगा को जन्म देती है। आप मुझे खो चुके हैं लेकिन आदर्श की पवित्र गंगा के साथ आपकी जीवन धारा भी तो जा मिली है। ये तो सोचिए, आपके आदर्श की रोशनी कहां से कहां तक पहुंच सकती है, कितनी जिंदगी आप मौत के मुंह से बचा सकते हैं। अगर ये सब कुछ मेरी वजह से, मेरी याद की वजह से नामुमकिन हो जाए तो मैं क्या से क्या बन जाती हूँ। मैं आपकी दुश्मन बन जाती हूँ, आपके आदर्श की सारी इंसानियत की दुश्मन बन जाती हूँ। डॉक्टर साहब, आपको मुझे भुला देना ही होगा। कैसे सीता, कैसे? जैसे मैंने आपको भुला दिया उस एक पल में जब पवित्र अग्नि के सामने बैठकर मैंने अपना हाथ एक अनजान आदमी के हाथों में सौंप दिया। मेरी बीती हुई जिंदगी की हर याद, हर सपना, हर बात उस आग की लपेट में आकर हमेशा के लिए जल गई। वही पवित्र अग्नि एक सिंदूरी ज्योत बनकर मेरी समलाई हुई मांग में दमक रही है। औरत का दिल एक मंदिर है जिसमें एक ही भगवान रहता है, और वो है उसका पति। ये रही तुम्हारी तस्वीर। लो सीता, अपने जीवन के महान यज्ञ में मेरी यादों की आहुति भी डाल दो।
जल्दी चलिए, मुझे सीने में बहुत सख्त दर्द हो रहा है। चलिए। नर्स, मॉर्फिया 1/4 ग्रेन क्विक प्लीज। ऐसा दर्द पहले कभी हुआ? नहीं डॉक्टर साहब, पहले कभी नहीं हुआ। राम, राम, हौसला रखो राम। डॉक्टर, डॉक्टर मैं जाऊंगा डॉक्टर। राम, मैं इंजेक्शन लगाता हूँ तो अभी ठीक हो जाओगे। परेशान मत होइए, परेशान मत होइए। सीता, सीता। डॉक्टर मत कीजिए, कैंसर के पेशेंट को कभी कभी ऐसा दर्द होता है। ले जी। राम, राम। ना, ना। ले जाइए। तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं फिर आऊंगा। राम, तुम? नमस्ते डॉक्टर, आधी रात गए आया हूँ, उम्मीद है आप मुझे माफ करेंगे। कोई बात नहीं, आओ। अब तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत के मुतालिक तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं डॉक्टर, मेरे बारे में जो सच्चा आज कह डालिए। तो क्या आज तक मैं तुमसे झूठ कहता रहा हूँ? नहीं डॉक्टर, मेरा ये मतलब नहीं, लेकिन हो सकता है कि मेरा दिल रखने के लिए आप मुझे उम्मीद दिलाते रहे हों, ये हो सकता है ना डॉक्टर? मैं समझ नहीं सका राम, तुम कहना क्या चाहते हो? डॉक्टर, अगर मेरा ऑपरेशन हो जाए तो मेरी जान बच जाएगी। सच सुनने की मुझ में हिम्मत है, मैं कमजोर दिल नहीं डॉक्टर। बोलिए आपका दिल क्या कहता है? मुझे पूरा विश्वास है राम, तुम बच जाओगे। डॉक्टर आपका विश्वास तो है, लेकिन आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी हालत काफी खतरनाक है। राम, मुझे मौत से कोई घबराहट नहीं डॉक्टर, क्योंकि जिन चीजों के लिए लोग तरसते हैं वो मुझे अपनी छोटी सी जिंदगी में सब मिल चुकी हैं, दौलत, इज्जत और खुशी, और एक देवी जैसी खूबसूरत पत्नी जिसने आज तक मुझे सिर्फ सुख ही सुख दिया है, मेरी सेवा की है, मुझे प्यार दिया है, और वो भी ऐसा कि शायद मुझ पर एक दुनिया रश्क करती होगी डॉक्टर। राम, तुम आज के बाद भी ऐसी जिंदगी बसर करोगे? डॉक्टर, जो मैं कह रहा हूं वो एक हकीकत है, जो आप कह रहे हैं वो एक ख्याल है, ख्वाब है। फर्ज कीजिए मैं मर गया। नहीं राम, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया तो? डॉक्टर, हाँ, मेरे दिल में ख्वाहिश बाकी है, और मैं चाहता हूं कि इस दुनिया से जाते हुए उसका बोझ मेरे दिल पर ना रह जाए, मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए। कहो राम, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। मेरी पत्नी सीता एक अभी अभी खिले हुए फूल की तरह है, और कोई भी इंसान जिसके सीने में दिल है ये नहीं चाहेगा कि वो एक विधवा के आंसू बहाते हुए अपनी जिंदगी गुजार ले। उनकी जिंदगी में ऐसी बदनसीब घड़ी कभी नहीं आएगी राम, कभी नहीं। डॉक्टर, अगर आ गई तो एक वचन दो डॉक्टर। वचन? हाँ, मैं तुम्हारी दोस्ती को अपनी जान से ज्यादा अजीज समझता हूं डॉक्टर, जान तो आनी जानी चीज है, इसी दोस्ती का वास्ता देता हूं, इनकार मत करना। कहो राम, कहो। मेरे मरने के बाद तुम्हारा फर्ज होगा कि सीता का सुहाग फिर से आबाद हो जाए। राम! हाँ डॉक्टर, सीता की शादी फिर से हो जाए ये जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ता हूँ। एक मरते हुए दोस्त की खातिर इतना कर सकोगे ना? कहो डॉक्टर, कर सकोगे? राम, अगर तुम्हारी पत्नी मान गई
तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर, आज ज्यादा घूमने फिरने मत दीजिएगा, कल इसका ऑपरेशन है, जितना भी आराम करे उतना अच्छा है। जी डॉक्टर मामा। टाटा। टाटा बेटा। माँ। हाँ मेरी रानी। माँ मेरे पास रहोगी ना? मैं हमेशा तेरे पास रहूंगी।
आइए। आंटी जी, डॉक्टर मामा ने कहा कल मेरा ऑपरेशन होना है। हाँ, जब ही तो ये नहीं है। इसे क्या होगा? ये भगवान का प्रसाद है गुड़िया, इससे तुम अच्छी हो जाओगी। सच्ची? आंटी जी, ये सारा मुझे दे दो। सब लेकर क्या करोगी? मंजा आंटी को दूंगी, फिलिप अंकल को दूंगी। बड़ी प्यारी बेटी हो तुम। आंटी जी, आंटी जी। क्या है उमा? जल्दी जल्दी करो, टीका लगवाओ। कैसा टीका? अच्छा होने का। सच? हाँ, फिर बाल अंकल भाड़ी की तरह आपसे नहीं लड़ेंगे। शैतान कहेंगे। टाटा। टाटा। अंकल जी, आप ना सर नीचे कीजिए। क्यों बेटे, ये क्या? इसे आप अच्छा हो जाएंगे। सच? उमा, डॉक्टर साहब ने तुम्हें आराम करने को कहा है ना? कोई डर का बात नहीं सीता बेटी, इसको हमारा पास खेलने दो। ना अंकल जी, कल मेरा ऑपरेशन होना है तो मैं आज कैसे खेल सकती हूँ? टाटा। इतना प्यारा और खूबसूरत बच्ची को ये छोटी उम्र में कितना बड़ा तकलीफ मिल गया। मैंने तो हर देवी देवता से एक ही मन्नत मान रखी है कि उमा ठीक हो जाए। अगर इसे कुछ हो गया। तुम ऐसा दुख और अफसोस का बात काहे को सोचता है सीता बेटी? एक विश्वास है जो मेरे दिल में घर कर गया है, अगर वो पूरा हो गया तो मैं समझूंगी मैंने बहुत कुछ पा लिया। क्या विश्वास है, तुम हमको बताओ। फिलिप चाचा, आप सुनेंगे तो कहेंगे ये मेरा वहम है, लेकिन ये मेरी अंतरात्मा की आवाज है कि मेरे आने वाले जीवन में जो भी अच्छा बुरा होना है वो इसी विश्वास पे होगा। हम तुम्हारी बात का मीनिंग एकदम नहीं समझा बेटी, हमको अच्छा माफिक समझाओ ना। ये बात मेरे दिलो दिमाग में बस गई है कि मेरे पति के जीने मरने का फैसला इस बच्ची की तकदीर के मुताबिक ही होगा। अगर ये बच गई तो भगवान मेरे पति की रक्षा भी करेंगे। सीता बेटी, एक वहम को तुम विश्वास बोलकर अपना सारा लाइफ। आप इसे वहम कह लें या विश्वास, ना मैं इसे अपने दिल से निकाल सकती हूँ ना बदल सकती हूँ। ठीक है सीता बेटी, लेकिन वो जो ऊपर बैठा है ना, वो सब कुछ कर सकता है, और तुम्हारा माफक अच्छा लोग का वो हमेशा मदद करता है। मैंने उमा को इंजेक्शन दे दिया है। गुड। नर्स, उमा को पूरे 8 बजे ऑपरेशन थिएटर में ले जाना। यस डॉक्टर। शंकर, ऑपरेशन ठीक 8:30 बजे होगा, उससे पहले तमाम तैयारियां हो जानी चाहिए। ओके डॉक्टर, थैंक यू। भगवान पर फेथ रखो बहन। जरा ठहरो। कभी खत्म होगा? आधा घंटा लगेगा। सीता, उमा का ऑपरेशन कब खत्म होगा? कहते हैं बस थोड़ी सी देर है।
नहीं मना। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन हो गया, कोई खतरे की बात नहीं बहन। सच, हम उमा को कब देख सकेंगे? आधे घंटे के बाद। सीता बहन। उमा, 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 मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया। देखिए, बच्ची को आराम की जरूरत है, अभी आप लोग बाहर ठहरिए। भगवान ने मेरी सुन ली, भगवान ने मेरी सुन ली। हाँ बहन, उमा बच गई। मैंने भगवान की मन्नत मान रखी थी, मैं मंदिर होकर आती हूँ, जाऊँ? जरूर जाओ, जरूर जाओ। फिलिप चाचा, आप सोच नहीं सकते आज मैं कितनी खुश हूँ। भगवान की दया से उमा बच गई, अब मेरे सुहाग पर भी आंच नहीं आएगी। डॉक्टर, उमा को फिट्स आ रहे हैं। फिट्स, माय गॉड, ये तो बड़ा खतरे की बात। डॉक्टर, डॉक्टर, उमा को फिट्स पड़े हैं। क्या? कोई डरने का बात तो नहीं डॉक्टर? कुछ कह नहीं सकता मिस्टर फिलिप्स। 5 बजे है, अगर 8 बजे तक 3 घंटे निकाल गई तो जरूर बच जाएगी, जरूर बच जाएगी। फिकर की बात नहीं राम, सदमे की वजह से बेहोश हो गई, अभी ठीक हो जाएगी।
डॉक्टर साहब। मेरी मैनावंत दीदी कहाँ चली गई? कुमार ट्रीटमेंट के लिए गई है। क्या? आधे घंटे बाद आएगी। आधे घंटे बाद आएगी? आधे घंटे बाद आएगी। करो ना यार। कहाँ है वो छोटा सर्जन? है ना का छोटा सर्जन? है ना। अरे कहाँ छोटा सर्जन? है ना। अरे ऐसा कहो ना फिर। ऑपरेशन थिएटर में हाथ नंबर का फरिश का पास्ता देख रहा है, उससे वो ले जाए यार। देखाओ तो हार काम हम क्यों करें? होती में इतना भी नहीं कर सकता। करो ना प्यारे। अरे ये हॉस्पिटल हुआ? अरे वो कब बेहोशी का इंजेक्शन दिया के नहीं? अरे कैसे घन चक्कर लोग हैं, कुछ कहा नहीं और मुफ्त में काम करा था। माफ करना मरीजवा, बहुत भारी है। ओ ललुआ कहाँ ले जा रहे हो? हुजूर हम एक ऑपरेशन थिएटर में ले जाते। मरीज को भी इंजेक्शन नहीं दिया और तुम उससे ऑपरेशन थिएटर ले जा रहे हो? हमार गलती हो गई हुजूर, ये तो पिटरबा की ड्यूटी होती जो हम करा था। अब रह गए इंजेक्शन की बात, ये आप अब हो दे दो। देते बेचारा मरीज। अरे मर गए सत्यानाश, यहाँ कहाँ से आ गया? डॉक्टर बाबू इसका इंजेक्शन बाद में नहीं दे सका? तुम्हारा ख्याल है कि ऑपरेशन के बाद इंजेक्शन देते? हाँ डॉक्टर बाबू, ऑपरेशन के बाद ही मैं इंजेक्शन दे। चलो इडियट कहीं का, क्या बेवकूफी की बातें करता है। लगावा लगावा मर गया बेचारा। देखो जब डॉक्टर बाबू शटलब कहे तो फिर तुम भी शटलब लल्लू। क्या बकवास हुजूर, हमारे कोई कसूर नहीं, तो पिटरबा की ड्यूटी थी, हम तो मुफ्त में। तुम सीधी तरह ये बताओ कि ये रूम नंबर 7 का पेशेंट है कि नहीं? नहीं हुजूर, ये तो रूम नंबर 5 का कोई रिश्तेदार है, हमारे जान का दुश्मन। तो तुम यहाँ कैसे?
मुझे नहीं पता डॉक्टर बाबू, कल आधी रात गए तक मैं शहर में बिजंती माला और दिलीप कुमार का बाइस्कोप देखता रहा, मुझे तो सुबह से नींद आ रही थी, ये बेंच देखा और मैं फिर सो गया। अरे तू हमेशा के लिए सो जा, डॉक्टर बाबू गलती से तो हर ट्रेन ले लू। जी हुजूर। तुम आजकल हर काम लापरवाही से करते हो। जी हुजूर। लाने से पहले ये नहीं देखा कि कौन सा पेशेंट ले जा रहा हूँ। जी नहीं हुजूर। अब ले जाओ, इसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया है। बेहोशी का जंक्शन? घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, आधे घंटे में हो जाएगी। अरे होश नहीं, तू बेहोश हो गया, तनिक हमारी मदद करो। स्टूपिड स्टूपिड। डॉक्टर साहब क्या बात है सीता, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? मैं अपने पति को यहाँ से ले जाना चाहती हूँ। क्यों? उमा के मरने के बाद। उमा का फिक्र ना करो सीता, उसकी मौत के साथ साथ मेरी जिंदगी का एक हिस्सा मिट गया। मेरा तो सभी कुछ मिट गया। लेकिन एक मरीज की मौत किसी दूसरे मरीज के जीने मरने का फैसला तो नहीं कर देती सीता। मैं ये मानता हूं कि जिंदगी या मौत किसी डॉक्टर के हाथ नहीं होती, लेकिन मरीज की जिंदगी और मौत के दरमियान डॉक्टर दीवार जरूर होता है। उस दीवार को हटाने की कोशिश मत करो सीता। मेरा विश्वास टूट चुका है। अपने सुहाग की दौलत जो मैंने अपने हाथों से आपको सौंपी थी, उसे अगर मैं वापस ले जाना चाहूं तो इसमें कोई गलती तो नहीं? तुम्हारी दौलत मेरी जिम्मेदारी है सीता, ये ठीक है, तुम दोनों का पति पत्नी का रिश्ता है, लेकिन मेरा और राम का भी एक रिश्ता है सीता, डॉक्टर और मरीज का रिश्ता। मैं तुम्हारे रिश्ते के दरमियान कभी नहीं आया। भगवान के लिए तुम मेरे और राम के रिश्ते के दरमियान आने की कोशिश मत करो। वो मरीज जिसे मौत ढूंढ रही है, उसे समझना या संभालना किसी पत्नी के बस का रूप नहीं, उसे सिर्फ एक डॉक्टर ही समझ सकता है, संभाल सकता है। मैं तकदीर से डरती हूँ, अगर उन्हें कुछ हो गया तो कहीं मुझे ये ख्याल ना आ जाए कि मैंने आपका प्यार छीना था, इसलिए आपने मुझसे मेरा सुहाग छीना। सीता, तुम्हारा मतलब है मेरी जिंदगी में जो गहरी खाई सी है, मैं उसे किसी मरीज की लाश से भरूंगा? तुम जा सकती हो सीता, जा सकती हो। हमें ये हॉस्पिटल छोड़ देना चाहिए, हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे। यकायक तुमने ये क्या फैसला कर लिया? आपका इलाज मैं किसी और डॉक्टर से करवाऊंगी। क्या क्या तुम्हें डॉक्टर धर्मेश पर भरोसा नहीं रहा? मुझे मुझे उनके इलाज पर भरोसा नहीं रहा। तो यहाँ से चलने के सब इंतजाम कर लिए? वो सब हो जाएंगे, आप हाँ कह दीजिए। सीता मेरी एक बात का जवाब दो, क्या क्या डॉक्टर बदलने से मेरी तकदीर बदल जाएगी? मुझे विश्वास है भगवान मेरे सुहाग की रक्षा करेंगे। अगर अगर तुम्हें अपने भगवान की दया पर इतना विश्वास है तो फिर यहाँ से जाना ही क्यों? उमा के मरने के बाद यहाँ मेरा मन शांत नहीं है। तुम अपने मन की शांति के लिए डॉक्टर धर्मेश जैसे नेक इंसान का दिल दुखाना चाहती हो क्या? अगर उसे ये मालूम हो गया कि हम ये अस्पताल छोड़कर जा रहे हैं तो उसे कितना दुख होगा। मैं उसे अपना भाई समझता हूँ सीता। वो भी मुझे दिलो जान से चाहता है, वो मुझे बचाने की पूरी कोशिश करेगा, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। रही जीने मरने की, सो मेरी तकदीर में अगर मरना ही लिखा है तो मैं डॉक्टर धर्मेश के हाथों ही में मरना पसंद करूंगा। अच्छा अच्छा, आप ले जाइए।
तू कब आई? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। तू मेरा ध्यान मत कर, मुझे अकेला नहीं, पर अब्बा के अपना ध्यान तो रख। मुझे क्या हुआ? क्या हुआ मुझे? मैं सब सुन चुकी हूँ। जो 4-5 दिन से तुमने खाना नहीं खाया और पागलों की तरह दिन रात लगा हुआ है, ये तू कर क्या रहा है? है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तू जा। क्या कुछ नहीं? ये कौन सा अस्पताल खोला है तूने? ऐसा तो मैंने तुझे पहले कभी नहीं देखा। ऐसी घड़ी पहले कभी आई नहीं माँ। ये घड़ी तेरे बेटे के इम्तिहान की घड़ी है। किसी ने उसकी इज्जत को ललकारा है, उसके धर्म और आदर्श को ललकारा है। मगर तू घबरा मत, मत तू घबरा मत। धर्मेश तेरा बेटा है ना, कभी हारेगा नहीं, कभी हारेगा नहीं, बिल्कुल नहीं हारेगा, बिल्कुल। मेरी समझ में नहीं आता तू कहना क्या चाहता है। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। दुखी मत हो, दुखी मत। तो कुछ अपना भी तो सोच माँ। मेरा सुख और किसी इंसान का जीवन, इन दोनों में जीवन महान है, उसे बचाना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज है। मैं कहाँ कहती हूँ कि नहीं, तू अपनी जिम्मेदारियां निभा, अपना फर्ज पूरा कर, लेकिन इस ऊंची साधना में किसी देवी सरी की लाजवंती को अपना हिस्सेदार बना ले। माँ, तू जो कहेगी मैं करूंगा, सब करूंगा। बस बस राम का ऑपरेशन हो जाए, राम अच्छा हो जाए, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। जैसा तुम चाहोगी वैसा हो जाए। झुक झुक जी मेरे लाल, झुक झुक जी। आज तूने मेरे अंधेरे घर में 1000 दीपक जला दिए। दर्द कम हो जाएगा थोड़ी ही देर में। चिंता न करो सीता, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा, है ना डॉक्टर? लेकिन डॉक्टर, ये दर्द आजकल कुछ अक्सर होता है। कैंसर में ऐसा दर्द होना कोई नई बात नहीं राम, तुम इससे जरा भी नहीं घबराना चाहिए। मैं घबराता कहां हूं डॉक्टर? जिस बात का फैसला हो चुका हमेशा के लिए, उस बात से घबराना, उससे घबराना क्या और डरना क्या? नहीं सीता, नहीं, यूं नहीं। हमारी तकदीर में जो कुछ भी लिखा है उसे हंसते हुए ही सहना पड़ेगा। इन आंसुओं की बरखा से सीता, तुम्हारी आंखों का काजल भले ही धुल जाए, मगर वो दाग इनसे कहां धुलेगा? कहां धुलेगा सीता, जो तकदीर के अंधे हाथ हर इंसान के माथे पर लगा देते हैं, हर इंसान के माथे पर। सीता, डॉक्टर मुझे आज एक बहुत जरूरी बात का फैसला करना है और तुम्हारे सामने करना है। मैं तुम्हारे सामने हूं राम। सीता, तुम अपने दिल की गहराइयों से मुझ पर विश्वास करती हो ना? बढ़िया भागन हूं मैं, जो ये बात आपको मुझसे पूछना पड़ी। लेकिन मैं भाग्यवान हूं सीता, मैं बहुत भाग्यवान हूं कि तुम मेरी पत्नी हो। मैं आज तुमसे कुछ मांगने लगा हूं, और हाँ, मैं क्या मांगूंगा ये पूछे बिना मुझे एक वचन दो सीता, कि मेरा कहा तुम टालोगी नहीं। मैं जानता था सीता, इसीलिए तो पूछा था कि तुम वाकई मुझ पर विश्वास रखती हो। अगर किसी से कह दूं तो कोई मानेगा कि इस सीता की भी एक अग्नि परीक्षा होनी है। मांगिए क्या मांगते हैं, मैं वचन देती हूं आपका कहा नहीं डालूंगी।
डॉक्टर, सीता ने जो अभी वचन दिया है तुम उसके गवाह हो। अब मैं एक बात खुल के कहूंगा और हो सकता है कि उसे सुनकर तुम दोनों को एक सदमा से पहुंचे, लेकिन जो मैं कहूंगा वो दया धर्म की बात है डॉक्टर, जिसे एक सच्चे दिल वाला इंसान ही महसूस कर सकता है। सीता, 3 दिन के बाद मेरा ऑपरेशन होने वाला है, जिसकी कामयाबी और नाकामी भगवान के हाथ है। फर्ज करो कि वो ऑपरेशन नाकामयाब रहा और मैं मर गया। राम, घबराओ नहीं डॉक्टर। इधर देखो डॉक्टर, मुझे बात तो पूरी कर लेने दो। हाँ तो सीता, अगर मैं मर गया तो तुम उस आदमी से शादी कर लेना जिसकी अच्छाई का यकीन अब चिता से भी आगे मेरे साथ जाएगा। तुम डॉक्टर धर्मेश से शादी करो। राम, ओ राम, ये क्या कह दिया तूने? क्या तुझे ऐसी बात कहनी चाहिए थी? नहीं राम, नहीं, कहना तो दरकिनार, ऐसी बात का सोचना भी पाप है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं मेरे। तुम राम हो और वो सीता, सीता राम के बीच आने वाला इंसान रावण कहलाता है, रावण। तुमने कैसे कह दिया ये सब, कैसे कह दिया? आज तुमने मुझ पर, अपनी पत्नी पर बहुत बड़ा जुल्म किया राम, जुल्म किया। डॉक्टर, जरा अपनी छाती पे हाथ रख के कहो, इस दुनिया का हर भला आदमी अपनी छाती पर हाथ रख के जरा जवाब तो दे कि मेरी बात में कोई बुराई है, कोई जुल्म है। अगर हमारा समाज और इंसाफ इस बात की इजाजत देता है कि जवान विधवाएं एक एक बड़ी गहरी उदासी और अकेलेपन के एहसास से सहमी रहे, रो रो कर अपनी जिंदगी गुजार दे, तो फिर डॉक्टर मैंने जो कुछ कहा वो पाप ही होगा। लेकिन नहीं डॉक्टर, ये पाप करके मैं शर्मिंदा नहीं, मैं किसी से शर्मिंदा नहीं, मुझे तो फखर है कि मैं ये पाप कर सका। और मुझे निहायत अफसोस है राम कि तुमने मुझे मेरे आदर्श की ऊंचाइयों से नीचे धकेलने की कोशिश की ताकि तुम अपनी किसी मंजिल की तरफ आराम से बढ़ सको। तुम कैसे अच्छे आदमी हो कि खुद ऊपर उठने के लिए तुम मुझे नीचे गिरा रहे हो। राम, जो इंसान पुण्य के रास्ते पे आगे चल रहा है उसे पीछे मत खींचो राम, पीछे मत खींचो। तुम्हारा मेरा सौदा ये तो नहीं था कि मैं तन मन और वचन से तुम दोनों का सुख चाहूं, अपने दिन रात एक कर दूं वो सुख तुम्हारे करीब लाने के लिए। और तुम राम अपनी जगह नेकी की बात भी सोचो तो ऐसी कि बुराई मेरा लिबास बनकर मेरे अंग लग जाए हमेशा के। राम, मैं नहीं जानता था कि तुम इतने मेहरबान हो जाओगे मुझ पर एक दिन। डॉक्टर, रुक जाओ डॉक्टर, कहीं तो रुक जाओ, मेरी बात की गहराई में तो उतरो, मेरा मतलब तो समझो डॉक्टर। तो फिर राम, मैं बड़ा खुश नसीब हूं जो ना समझ हूं। शुक्रिया राम, शुक्रिया। ये तुम थे कह दिया तुमने, और ये हम थे सुन लिया। डॉक्टर नहीं, सीता। क्यों जी, ये सजा क्या आपने मुझे इसलिए दी कि मैं भगवान से पहले आपकी पूजा करती हूँ? क्या मैं इतनी गई गुजरी हूँ कि आपने मेरे मुंह पर कलंक पोत कर मुझे सुहागन से कलंक नहीं बनाया? यूं ना कहो सीता, मैं एक देवी को अभागन बनने से बचाना चाहता हूँ। हमारे इर्द गिर्द एक दुनिया है सीता, उसे देखो, समझो और बोलो। एक जवान बेटी के विधवा हो जाने पर क्या उसका बाप उसके लिए नया वर नहीं ढूंढता? क्या एक भाई अपनी जवान बहन के उजड़े हुए सुहाग को फिर से आबाद करने की कोशिश नहीं करता? एक फर्ज है, एक बहुत बड़ा फर्ज है सीता,
जो किसी गहरे प्यार की शह पाकर उस बाप उस भाई को नेकी की राहों पर आगे ले जाता है। अब अगर एक पति सीता मेरे जैसा पति जिसका मर जाना यकीनी हो चुका है किसी ऐसे ही प्यार का सहारा लेकर अपनी पत्नी को एक नया जीवन देना चाहे तो इसमें क्या पाप है, इसमें बुराई क्या है? देखो सीता, दूसरों को दुनिया का डर होता है, इसलिए ये बात नहीं कह सकते। और मैंने ये बात कह दी कि मुझे इस दुनिया का डर नहीं है। आपको किसी का डर हो या ना हो, लेकिन मैं अपनी अंतरात्मा से डरती हूँ, अपने धर्म से डरती हूँ। लेकिन 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 सीता, तुमने मुझे वचन दिया है और तुम उस वचन को पूरा करोगी। मालिक, सितार ले आया हूं।
प्यार के सागर हम तेरी लहरों में ना वो बैठे तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ भूल जाओ हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं खो बैठे तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ हम तेरे प्यार में सीता सीता ये मैना बंती हम जो कुछ भी बोला था तुम का बकवास समझत हो देखो मैना बंती अगर तो का हम पर भरोसा नहीं तो हमार दिल का एक फोटो निकाल ले और फिर देखो हम कितना दीवाना है तुहार बात से फोटो की क्या जरूरत है तुम्हारी शक्ल से ही पता चलता है अरे हमार भोली मैना बंती गांव में का रखा है तुहार बात से सूखे झाड़ और झोंको भाड़ हम सच कहा था मैना बंती तुम इस लल्लू के लिए हो उस उल्लू के लिए नहीं मालूम होता है तुम्हारे सर पर कोई भूत सवार है नहीं तो हार मोहब्बत सवार है देखो मैना बनती तुम उस गांवटी चोटी वाले से शादी करने का ख्याल छोड़ दो हमसे शादी कर लो और फिर देखो हम दुई माला की बस में तोका बिठा के कैसा तफरी करा रहे हैं ये क्या बकबक किए जा रहे हो अरे बकबक नहीं हम तो मोहब्बत का इकरार करत हैं हमार तो सारा जमाना दुश्मन हो गवा कि दादर बाबू कहा था कि मैनापति को अस्पतालवा से ले जाओ कि कैसा दादर है कैसा इलाज है हमार हिसाब से तो का जिंदगी भर यहाँ ही रहने की जरूरत है हमार बात से हुजूर हुजूर क्या कह रहे थे तुम कछुराई हुजूर हुजूर हम तो इसका खैरियत पूछत रहे खैरियत पूछत रहे मैं सब जानता हूँ सब सुन चुका हूँ सरकार अभी तो आपने कुछ भी नहीं सुना एक दिन ये क्या लिया था कि जब डॉक्टर बाबू बीमार पड़ते हैं तो उनका इलाज मैं ही करूं देखो भाई तुम अपने कान में कड़वा तेल डालो और देखो दादर बाबू हम तो इका कहत रहीं कि जब दादर बाबू की तबीयत खराब होते तो हम चंपी करा था लल्लूलाल हुजूर तुम्हारे ये लक्षण बहुत दिनों से देख रहा हूं तुम अपनी हरकतों से अस्पताल को बदनाम कर रहे हो अपना हिसाब का लोकन से तुम्हें छुट्टी है लल्लू 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 अरे मेरे आपसे क्या हो गया उठो तो आप बदला तो नहीं लेंगे डॉक्टर सीता तुम ये क्या कह रही हो सीता जिसे आप दोस्त कह चुके हैं उसके साथ ना इंसाफी तो नहीं करेंगे मैं अपनी तकदीर को क्या कहकर कोसूं कि आज मेरे मुतल्लिक तुम्हारे दिल में भी ऐसे बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं इंसान इंसान ही तो है मन भटक जाए तो अपनी जगह से गिर भी सकता है काश मैं इंसान के रूप में जन्म न लेता डॉक्टर मैं अपने पति को एक वचन दे चुकी हूं अपनी मर्जी के खिलाफ उसे ये मत समझ लीजिएगा कि हालात ने आपको मौका दे दिया है मुझे पा लेने का इस भरम में कोई भूल मत कर बैठिएगा सीता अगर मुझे कोई ऐसी भूल करना ही थी तो तुम्हारी शादी के फौरन बाद सिर्फ इतना कहकर कि सीता मेरी थी मेरी है राम की जिंदगी उजाड़ सकता था इंसानों ने नेकी और शराफत के जो थोड़े कुछ मेयार बना रखे हैं उन्हें खींच कर नीचे ला सकता था और अगर मैं वो नहीं जो नजर आता हूं तो ये पाप मैं अब भी कर सकता हूं सीता ये मेरी खुशनसीबी है डॉक्टर कि आपने नेकी से भी उतना ही प्यार किया जो कभी किसी इंसान से किया था अब मेरी विनती है कि अगर लाख कोशिशों के बावजूद आप मेरे पति को ना बचा सके तो मेरी मदद कीजिएगा कि मैं भी मिट्टी से ऊपर उठ जाऊं ये लम्हा न जाने किसी ऊंचे सच का लम्हा है या मौत का लेकिन तुम इस लम्हे में इंसान से बदलकर एक ऊंचा आदर्श बन गई हो आपकी बड़ी दया है डॉक्टर ना सीता आज तुमने मेरी निजी प्यासों पर अपनी दया का मैं बरसाकर मुझे इंसान से एक अटूट प्रतिज्ञा में बदल दिया है मैं तुमको वचन देता हूं
तुम्हारे राम को बचाने के लिए। अगर मुझे मरना भी पड़ा तो मैं घबराऊंगा नहीं। और हाँ, इस वचन को पूरा करके मैं इंसान, समाज, तहजीब के वो सारे तकाजे पूरे करूंगा जो आज इसलिए जरूरी हैं कि मुझे एक नेक माँ ने जन्मा था और एक नेक पेशे ने मुझे अपनाया है। मेरी मोहब्बत की हार एक दिन किसी ऊंचे आदर्श की जीत बन जाएगी, ये तो मैंने कभी सोचा भी ना था। सीता, कभी सोचा था? अब सिर्फ दो रोज और रह गए हैं, परसों तो मेरा ऑपरेशन होने वाला ही है। एक बहुत जरूरी काम रह गया, मैं चाहता हूँ वो भी कर लूँ। आप क्यों इस किस्म की बातें करके मुझे डराया करते हैं? तुम तो पगली हो जी, कई बार कहा कि डरने से कोई बात नहीं बना करती। तुम जाओ जरा वकील साहब को फोन करो। वकील साहब? हाँ, उनसे कहना फौरन चले आए, एक वसीयतनामा लिखना है। लेकिन क्यों, इसकी क्या जरूरत है? अच्छा, मैं खुद करा। नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ। हाँ वकील साहब, वो जिद कर रहे हैं वसीयत लिखवाने के लिए, आप चले आइए। जी तुम्हारा हस्बैंड विल लिखवाना मांगता है इसलिए उदास हो गया। उनके दिल में ये बात बैठ गई है कि वो बचने वाले नहीं। ये कभी नहीं हो सकता सीता बेटी, जीसस उनका ऊपर मेहरबानी करेगा। और देखो, बड़ा लोग सब विल लिखवाता है, इसमें कोई खराब बात नहीं। झूठी दौलत लेकर मैं क्या करूंगी? औरत की सबसे बड़ी दौलत उसका सुहाग है, वो ना रहा तो उसी पल मैं अपने आप को भी मिटा दूंगी। मैं रहने वाली नहीं। मैं कहती हूँ फाड़ दीजिए इस वसीयतनामे को, फाड़ दीजिए इसे। तुम ऐसा कैसा बोलता है सीता बेटी? विल लिखवाने में राम बाबू का कोई मिस्टेक नहीं, विल तो हर आदमी को लिखना मांगता। मुझे आपने बुलाया राम बाबू? तकलीफ माफ डॉक्टर, मैं चाहता हूँ मेरी वसीयतनामे पर फिलिप अंकल और आप दस्तखत कर दें गवाह की हैसियत से। इस पे वो दस्तखत करेगा राम बाबू जिसे आपकी मौत का यकीन होगा। मैं तो सिर्फ एक ही कागज पर दस्तखत करूंगा, वो होगा आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जिस दिन आप भले चंगे होकर घर जाएंगे। आई एम सॉरी। फिलिप अंकल आप कर दीजिए, जब तक लिखने में कोई मिस्टेक नहीं। आप बिहारी, डॉक्टर साहब ने कहा है ऑपरेशन थिएटर साफ करवा देना, कल राम बाबू का ऑपरेशन है। अरे हाँ, बहुत बड़ा और खतरनाक ऑपरेशन है। तुम्हारा क्या ख्याल है, राम बाबू बच जाएंगे? मुझे तो कोई उम्मीद नहीं। तुम जाओ अपना काम करो। अच्छा। क्यों जी, कहाँ चले गए थे? कुछ नहीं सीता, यहीं तक गया था गिरधारी को फोन करने, तुम्हारे सभी कपड़े और जेवर यहाँ पहुँचा दे। वो किस लिए? मेरे ऑपरेशन में चंद घंटे रह गए हैं सीता, मेरी एक छोटी सी आरजू है। आप कहिए ना, तन मन वार दूं आप पर से। पता नहीं सीता,
ये आने वाला वक्त मुझे वापस तुम्हारे पास आने देगा या नहीं? मैं तुम्हें उसी रूप में देखना चाहता हूँ जिसमें पहली बार सुहागरात को देखा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये मुझसे नहीं हो सकेगा। सीता, ये मेरी आरजू ही नहीं, मेरी आत्मा की मांग है। इसे पूरा कर दोगी तो ये बाकी चंद घंटे में अपने दुख दर्द को भूल सकूंगा। कैसे दुख से वाली बातें करते हैं? लेकिन सीता, जो दुख तुम्हें बाद में होगा, ये सोच कर कि तुमने मेरी आखिरी तमन्ना पूरी नहीं। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, ऐसी बात मत कहिए। मान जाओ सीता, मान जाओ, मेरी सुनो, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है सीता।
ये सिर्फ मेरे लिए एक मरीज का ऑपरेशन नहीं बल्कि एक डॉक्टर की जंग है मौत के खिलाफ। मैं आपकी कामयाबी की दुआ करूंगा। थैंक यू डॉक्टर। बाबू के इंजेक्शन का टाइम हो गया। यस डॉक्टर। डॉक्टर शंकर। यस प्लीज। मैं ठीक 9 बजे ऑपरेशन थिएटर में पहुंचूंगा। ओके डॉक्टर। राम बाबू, राम बाबू, इंजेक्शन। राम बाबू, ऑपरेशन का वक्त हो गया। मैं चलूं? बुलावा आ गया। सीता, मत रो सीता। नहीं नहीं साहब, स्ट्रेचर आ गया। बंद हो गई है। व्हाट? गेट द ऑपरेटर टू रिवाइव द हार्ट क्विक प्लीज।
डॉक्टर शंकर, आधे घंटे के बाद मुझे खबर दो मरीज की हालत क्या है। ओके डॉक्टर। डॉक्टर मुबारक हो, डॉक्टर ऑपरेशन कामयाब है, राम को होश आ गया। सीता कामयाब हो गया सीता, ऑपरेशन कामयाब हो गया सीता। सीता दरवाजा खोलो सीता, सीता दरवाजा खोलो, सीता दरवाजा खोलो, सीता 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 सीता
जाने वाले की याद आती है। दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है। रात जिसमें होती है पूजा, ये प्रीतम का घर है। एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है। आरती बंदन आँख जो मीठी हो गए दर्शन, मौत मिटा दे चाहे हस्ती, याद तो अमर है। मौत मिटा दे चाहे हस्ती, याद तो अमर है। दिल एक मंदिर है, होती है पूजा, ये प्रीतम का घर। हर तार पुकारे ये प्रेम नगर है। सांसों का हर तार पुकारे ये प्रेम नगर है। दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है। प्यार की जिसमें होती है पूजा, ये प्रीतम का घर। दिल एक मंदिर,